Hello everyone, this is lecture 17, 11th FSE Physics Part 1, Chapter Number 2, Vectors in Equilibrium. The topic that we are going to discuss today is the finding the direction of resultant vector in any quadrant. ठीक है, so ये पिछले lecture के का अगला हिस्सा है. पिछले lecture में हमने vectors को add किया था by rectangular components, और rectangular components से हमने जब vectors को add किया था, तो हमने उसका जो भी अलजेब्रा था वो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था. और वो रिजल्टेंट वेक्टर की जो डायरेक्शन थी, वो डायरेक्शन बेसिकली थीटा बताती थी, और थीटा जो के बराबर था टेन इनवर्स माइनस टेन इनवर्स आर वाई डिवाइड बाय आर एक्स. सो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स आर वाई डिवाइड बाय आर एक्स. सो ये बेसिकली डायरेक्शन था. एक बार फिर आपको रिकैप करवा दूं, अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं ए और बी, तो ये इसका रिजल्टेंट वेक्टर है. और रिजल्टेंट वेक्टर का अगर आप प्रोजेक्शन ड्रा करते हैं तो ये आर एक्स है, और ये जो लेंथ है वो आर वाई है. सही है, तो ये बेसिकली आर एक्स और आर वाई हैं. तो इनकी जो इस आर की जो डायरेक्शन है, बेसिकली एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है रोटेशन, वो आपको थीटा देती है. थीटा देती है आपको इसकी रोटेशन, जो कि टेन इनवर्स आर वाई डिवाइड बाय आर एक्स के बराबर है. सो दिस थिंग इज बेसिकली, अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ तो ये आर एक्स हो गया, ये आर वाई हो गया, और ये आर हो गया, ये थीटा है. सही है, ये फार्मूला इसको होल्ड करता है. This holds for first quadrant. When Rx is positive and Ry is positive. जब Rx और Ry positive होंगे तब ये formula applicable है. लेकिन जब आर एक्स और आर वाई पॉजिटिव नहीं हो, यानी मैं इसकी बात कर रहा हूं, अगर आपका वेक्टर यहां पे है तो आर एक्स भी पॉजिटिव है, आर वाई भी पॉजिटिव है. अगर आपका वेक्टर जो है फर्ज करें यहां पे है, तो यहां पे आर एक्स जो है वो नेगेटिव है, जबकि आर वाई पॉजिटिव है. ठीक है, इसी तरह यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में आर एक्स भी नेगेटिव है, आर वाई भी नेगेटिव है. ठीक है, इसी तरह फोर्थ क्वाड्रेंट में लेट्स से अगर मैं प्लॉट करूँ, मैं डिफरेंट कलर यूज करता हूँ ताकि आसानी हो समझने में. फोर्थ क्वाड्रेंट में आर एक्स पॉजिटिव है लेकिन आर वाई नेगेटिव है. ठीक है, इस सिचुएशन में ये वाली सिचुएशन में ये फार्मूला जो है वो एप्लीकेबल है. ठीक है, अदरवाइज एप्लीकेबल नहीं है. अदरवाइज ये फार्मूला जो है वो इनकम्प्लीट है, ये आपको डायरेक्शन नहीं बताएगा. सो हम करेंगे कि ऐसी सिचुएशन डिस्कस करेंगे जिसमें ये सेकंड और थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट को भी मैं भी अगर कोई वेक्टर लाई करता है रिजल्टेंट वेक्टर उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर सके. सो लेट्स स्टार्ट. तो मैं इसको सिंपल करता हूं. फर्ज करें लेट आर लाइज इन एनी क्वाड्रेंट एक्सेप्ट फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट. ठीक है, पहले क्वाड्रेंट के अलावा. तो मैं लेट करता हूं, लेट फाई इज इक्वल टू, इंस्टेड ऑफ राइटिंग थीटा, फाई इज इक्वल टू आर वाई डिवाइड बाय आर एक्स. सही है, तो लेट अस डिस्कस सेकंड क्वाड्रेंट. डिस्कस सेकंड क्वाड्रेंट. हम सेकंड क्वाड्रेंट को लेट से डिस्कस करते हैं. तो फर्स्ट करें, दिस इज एक्स एक्सिस,
this is y-axis, and vector lies somewhere here, then this is basically phi, and this thing is theta. Okay, so how to find theta? Theta is equal to, क्योंकि ये second quadrant exist करता है, तो second quadrant पूरे में अगर देखें तो अगर देखा जाए तो angle pi है, में से थोड़ा सा कम है, pi minus phi जो है वो theta के बराबर, ठीक है? So pi minus phi जो है वो theta के बराबर हो गया, तो अब theta आप यहाँ से बता सकते हैं, so आपका theta भी ये है, ठीक है? So अब जो formula hold करेगा वो ये करेगा, pi minus tan inverse ry divided by rx. Instead of calculating your direction by this formula, you have to solve this. ठीक है, phi को आप pi से minus करेंगे तो आपको correct angle देगा. यहाँ पे angle क्या है? ठीक हो गया. So यहाँ पे क्योंकि ये कब hold करेगा? जब rx negative होगा, ry positive होगा. सही? Negative, positive. ये सेकंड क्वाड्रेंट की सिचुएशन है, तब आपने ये फार्मूला होल्ड, इस फार्मूले से आपने डायरेक्शन निकालनी है, एंगल निकालना है, ठीक है? अब मैं थर्ड क्वाड्रेंट डिस्कस करता हूं. थर्ड क्वाड्रेंट क्या है? दिस इज आर, ठीक है, दिस इज पाई, दिस इज, let's see, this is phi. Okay, so this is phi. So theta kya hoga? Theta is equal to pi plus phi. Theek hai? Kab? Jab rx negative hoga, ry bhi negative hoga. Theek hai? Negative, negative. To main kya karunga isko? Pi barabar, theta barabar hai pi plus phi की जगह मैं अगेन tan inverse ry divided by rx लिखूंगा, ठीक हो गया? So ये चीज होगी. याद रखें यहाँ पे directions negative positive नहीं, always positive है. Similarly अगर आपका system, आपका जो vector है, resultant vector, वो lie करता है fourth quadrant में, fourth quadrant में, तो ये बनेगा pi से माइनस करना है, बिकॉज़ आपका एंगल ये है. सो ये वाला जो एंगल है वो क्या होगा? 2 पाई माइनस फाई होगा. दिस इज फाई, ठीक है? तो 2 पाई माइनस फाई किसके बराबर होगा? थीटा के बराबर होगा, ठीक है? सो अब आप थीटा निकालेंगे तो आपको डायरेक्शन मिलेगी 2 पाई माइनस tan इनवर्स ry डिवाइड बाय rx. So, इस तरह आप directions calculate कर सकते हैं. Whenever rx यहाँ पे positive है, ry यहाँ पे negative है. So, whenever r is greater than 0, ry is negative less than 0, and ry is greater than 0, you have to calculate your angle by this formula. And whenever, again, I am, okay, so मैं last में summarize करता हूँ. So, let me summarize. If your system is in first quadrant, then you have to use theta is equal to phi is equal to tan inverse ry divided by rx. In second quadrant, you have to find theta by pi minus phi, which is theta equals pi minus tan inverse ry divided by rx. Okay? Similarly, in third quadrant, आप लिखेंगे theta is equal to pi plus phi, which is pi plus tan inverse ry divided by rx. Similarly, in fourth quadrant, this will be theta equals 2 pi minus phi. So, theta banega 2 pi minus tan inverse ry divided by rx. So this is all about the
direction of resultant vector whenever you are adding two or more than two vectors by using rectangular components. Take addition by rectangular components. So thanks for watching this video. Up to next video. Bye bye.